आंदोलन शुरू है और जीडीए के साथ है आवाम। टंडोलियार की सारी आवाम जो है वो जीडीए को चाहती है, क्योंकि इनकी 30 साल हुकूमत रही है लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोगों के घर ढाए हैं, शहर के अंदर भी लोगों की बिल्डिंगें गिरा दी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उस जगह पे आज जो लोग गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, लोग परेशान हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई तरक्की नहीं दी पूरे सिंध को। बिलावल कहता कि मैं इतने लाख घर बनाऊंगा, टंडोलियार के अंदर झोंपड़ियों में बैठे हुए हैं 30 साल से, किसी आदमी के पास घर नहीं है, झोंपड़ियों में बैठे हैं। आके देखे कोई भी, हम उनको दिखाएंगे कि टंडोलियार में झोपड़ियों में बैठे हुए किसी के पास घर नहीं है। वो कह रहा है कि मैं इतने घर बना के दूंगा। यहाँ देखो ना क्या हाल है, लोग गरीबों का बुरा हाल है, न तालीम का कोई हाल है, न कोई इंतज़ाम है, ला एंड ऑर्डर का इंतज़ाम है, बदमनी है और मुल्क जो है वो तबाह कर दिया इन्होंने। जो लोग ये कह रहे हैं कि टंडोलियार के अंदर इलेक्शन नहीं है, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि रात के अंधेरों में ये मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, और इनकी आप ये कभी 15 सालों में साथ नहीं बैठे थे, कल ये साथ क्यों बैठे थे? आखिर इनको कोई डर है? इस मरतबा 15 सालों के अंदर जितना इन्होंने जुल्म किया, जितनी नाजायजियाँ की, आप 15 साल पीछे चले जाएं, रायला गुल मक्सी ने जितने काम कराए उन ऑफिसों में आज भी पीपल्स पार्टी के लोग उन ऑफिसों के अंदर बैठे हुए हैं। इन्होंने खुद कुछ भी काम नहीं करे। 15 सालों के अंदर जितनी उन्होंने तबाही की है वो आवाम के सामने, आप हकीकत बताओ, यूसी झंडोमरी के अंदर, मीराबाद के अंदर, हिंगोरानी के अंदर आप आ जाएं, आपको जंगलों के अंदर लोग नज़र आएंगे कि ये लोग कैसे निकल रहे हैं। ना वहाँ पे उनके पास लाइट है, ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास रोड है, कोई सहूलत उनके पास नहीं है। 15 सालों में आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इस मरतबा जो इलेक्शन होगा ये देखेंगे किस मरतबा इलेक्शन कैसे हो रहा है। और इनको इंशाल्लाह इस मरतबा आवाम जो है जाग गई है, आवाम के अंदर शऊर आ गई है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया 15 सालों के अंदर, और इंशाल्लाह इस मरतबा आप देखेंगे कि रायला गुल मक्सी कैसे जो है कामयाबी हासिल करती है। 2024 में रायला मक्सी जो जीडीए के प्लेटफार्म पे अपना NA 217 और PS 58 और मोहसिन मक्सी PS 59 पे जो खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें एक अल्लाह का भरोसा है, तो रब ताला हमारी मदद करेगा। और हमारे गरीब जो लोग हैं इस ज़िले की आवाम, जिनके साथ ये इन्होंने वैसा घाती की है, 15 साल में 3 दफ़ा इनको जितवाया है, 3 दफ़ा इस आवाम का पैसा लूट मार करके ये खा गए हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी आवाम सजाग हो गई है और मीडिया भी सजाग हो गई है और हमारा नौजवान तबका भी सजाग हो गया है। इन 15 सालों का हिसाब इस इलेक्शन में इनसे लिया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला अभी आवाम में सुजागी आ गई है। आप आगे चलकर देखोगे कि आपको इस टंडोलियार का नक्शा ही बदल जाएगा। इनके साथ कोई आदमी चलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ ये जाते हैं पहले अजर के और फूल ये खुद लेके जाते हैं कि भाई ये लो और हमारे बंदे आ रहे हैं, इनको आप डालना, और इंशाल्लाह आवाम इनसे बदला लेगी। 15 साल का बदला इस 2024 में हम लेंगे। मैं इमदाद मिताफी को इसके जो पोस्ट रखी गई है उसके जवाब में मैं कहूँगा कि इमदाद साहब, ये आप लोग इस गरीब आवाम को बेवकूफ़ बना के, बेनज़ीर साहिबा का इनको नाम दे के, उनको वास्ता दे के, इनको आप बेवकूफ़ बना के आप वोट लेते हो, लेकिन अभी आवाम सुजाग हो गई है, और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को आपको आवाम बताएगी कि भाई हम गरीब आदमी हैं क्या। इनकी ताकत आपको 8 फरवरी को पता पड़ जाएगा। रोज़ रोज़ आवाम बेवकूफ़ नहीं होगी। अभी ये चालें पीपल्स पार्टी की चालें आवाम बखूबी समझ गई है, लेकिन इनमें क्या था मैं जो रायला मंगसी से इलेक्शन लड़े, एक ये औरत होके तीनों के सामने खड़ी है। यार आप सोचो, तीनों के सामने खड़ी है, इस जैसी मर्द मुजाहिद जो है ना, इस टंडोलियार की आवाम को नहीं मिलेगी। और मैं टंडोलियार की आवाम को अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपना जो है हर चीज़ को देखो। ये तुम लोगों से फिर जो है वो बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं। रायला मक्सी का इंशाल्लाह इसमें साथ देंगे, हमें पूरा खुदा पे भरोसा है और इस आवाम पे भरोसा है।